हिदायत जनाब मेरे जी गुरु साहिबा। मेरे पाकिस्तान से आए हुए दोस्त मजलूम साहब, मजलूम मंगी तईम साहब, जनाब बुरफत साहब और मेरे अबू धाबी के प्यारे जियालो जिए भुट्टो। तकरीरों का वक्त है, खुशी का मौका है, भुट्टो साहब की याद है और इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान में भुट्टो साहब जैसे अजीम इंसान को जन्म दिया। छोटी सी और थोड़ी सी ख्यालात में आपके साथ शेयर करता चलूं। जिस मखदूम साहब जिस रोशनी की आप बात कर रहे थे जो जलेगी होगी जब बीबी आएगी इंशाल्लाह उसके छोटे छोटे दिए मैं कुछ जला के आया हूं कुछ वापस जला के चला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फर्ज से फजल से और आपकी दुआओं से मैं ये आपसे कहता चलूं कि ये जेल कटती नहीं है। अगर मुझे ये उम्मीद नहीं होती आपके दोस्तों की दुआओं की और आपके दिल का मुझे एहसास नहीं होता या आपका मेरे साथ साथ नहीं होता तो पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपके जोर से मैंने हमेशा उन जालिमों को जो बारों को या डिक्टेटरों को जो ललकारा है तो आपके जोर पे ललकारा है। इसलिए तो मुझे पता है कि अल्लाह के फजल से जहां जिस शहर जिस मुल्क में जहां मैं जाऊं या जहां से सदा आएगी तो ये भुट्टो की सदा होगी। तो मेरे दोस्तों मैं उस खोली में रहा जिसमें शहीद बाबा रहे उनके लगे हुए आम जो उनने लगाए उसका मैंने फल खाया और उनका साथ बढ़ाते हुए एक मैंने फल एक दरख्त लगाया आम का जिसका मैं फल खा के निकला। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत मीठे आम और मैंने जो लगाया उसका आम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मीठा है और कुदरत ने दर्द सीने में भी मजा रखा है। दर्द पी के तो देखो उन दोस्तों से मैं सदा करता हूं जितने जेल नहीं काटी जेल भी एक इंस्टीट्यूशन एक यूनिवर्सिटी है जाना चाहिए। वहां जाके इंसान को कुछ अपना पता पड़ता है अपने आप से वाकफियत होती है अपने आप से मुलाकात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जोर से आपकी दुआओं से मैंने 11 साल की जिंदगी की जो जेल में काटे उसमें ज्यादा मुलाकात मेरी अपने आप से रही है। मैंने ज्यादा फिलोसफी आपको मैं नहीं बताऊंगा इसलिए मैंने तो 8 साल फिलोसफी लिखी भी है सोची भी है मगर मैं सिर्फ ये जरूर कह सकता हूं कि जब भी कभी डायलॉग हुआ या बात हुई तो मेरे ख्याल में एक ही शेर आया जो आपसे शेयर कर लेते हैं कि दीप जिसका सिर्फ महलात में ही जले जो साये में है हर मसलत के पले ऐसे दस्तूर को ऐसे सुबह नूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं। और इंशाल्लाह मौका आएगा आपको पाकिस्तान इंशाल्लाह आपको और बीबी साहिबा दोनों को मैं पाकिस्तान में जब रिसीव करने आऊंगा एयरपोर्ट में हजूम के साथ तो ज्यादा बातें करूंगी। मैं आखिर में सिर्फ आपसे ये कहता चलूं कि बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी बड़ा दिल खुश होता है मेरा वजन बढ़ता है दिल बढ़ता है जब मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखता हूं और जिए भुट्टो का नारा सुनता हूं हर जगह जिए भुट्टो।